फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी कुंदरू की सब्जी। इसको परमल भी बोलते हैं। इसको बारीक टुकड़ों में बीच से चीरा लगाते हुए इसको बारीक टुकड़ों में काटेंगे। ये मैंने 500 ग्राम के करीब परमल को ऐसे बारीक टुकड़ों में काट के रख लिया है। अब हम इसकी सूखी सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस जला के एक पैन रखेंगे। पैन को गर्म होने देंगे। तो इसमें मैं तड़का लगाने के लिए मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां बारीक काट के रख ली हैं और एक सूखी लाल मिर्च को काट के रख लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून जीरा लिया है और 2 चुटकी के करीब मैंने हींग लिया है। तो पैन हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। जीरा अच्छे से स्प्लैटर हो गया है, अब हम इसमें ये कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें ये सूखी लाल मिर्च कटी हुई डाल देंगे। हींग डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे और सबको अच्छे से भून के फिर ये हम परवल इसमें डाल देंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। खूब अच्छे से इसको हम भून लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको बीच बीच में चलाते हुए हम इस सब्जी को पकाएंगे। ये सब्जी थोड़ी कुंदरू थोड़ा हार्ड होता है तो ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 5 मिनट हो गया है, हम फिर सब्जी को इसको चला देंगे बीच बीच में। ये पकने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा इसको, तो मैं इसको बीच बीच में चलाते हुए 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी इस सब्जी को। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, आइए हम इसकी कुंदरू की सब्जी को चेक करते हैं। मैंने इसको बीच बीच में चलाया भी था। ये सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। लो फ्लेम पे इसको हम धीमे धीमे इसको पकाते हैं। पकने में थोड़ा टाइम लेता है कुंदरू। हम इसको दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। कुंदरू की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है इसको बनाने का, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। और आपको अगर मेरे कुंदरू की सब्जी बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।